Audio Jungle. करीब तक था वो कारोबार में कुछ नुकसान होने की वजह से नुकसान होने का अंदाज़ा था, इसीलिए मैंने कारोबार में चलो भाई किसी का फ़ायदा होता क्योंकि जो कारोबारी आदमी है समझ के मैंने क्या किया, वो कारोबारी जो भी मेरा माल था मैंने उसको 2.5 लाख के अंदर एक सेटलमेंट कर लिया था। जुमला आप माल जो दिए वो कितना 6 लाख का था? 5 लाख तकरीबन, 6 लाख के करीब करीब का माल था वो, तो भी जो आगे वाले का फ़ायदा होता ना बोल के अपने भाई बंदे पे बोल के इसीलिए मैंने उसको 2.5 लाख के अंदर माल दे दिया उसको, तो उन्होंने मुझको उसके बदले में चेक दिया और मैं मुझको नहीं मालूम उनके दिल में क्या है, तो चेक ले लिया मैंने, उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दिए मुझको, तो जब मैं डेट आई वो चेक पे तो मैंने बैंक को गया, बैंक को डिपॉजिट किया, तो फिर 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई कि भाई ये विदड्रॉ नहीं कर सकते, उसको स्टॉप करा दिया गया बैंक को, स्टॉप करा दिया, तो फिर मैं उनको कॉल किया, मैं यूसुफ सैयद यूसुफ नाम है उनका, तो मैंने उनको कॉल किया, कहाँ रहते साहब सैयद यूसुफ? सैयद यूसुफ ये जानुमाए में रहते थे, तो मैंने उनको कॉल किया। क्या कारोबार है सब उनके? पहले तो मेरे को मालूम नहीं कारोबार क्या करते थे, फिर बाद में उन्होंने कारोबार किया है भाई मलकपेट में अहराम गारमेंट्स बोल के दुकान डाले हैं जो लेडीज़ का जेंट्स का था, और फिर अत्तापुर पे भी डाले हैं पिले नंबर 143 पे, वहाँ पर भी डाले थे, तो वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, और मैं काफ़ी मुशक्कत कर रहा हूँ, तो भी फ़ोन लग रहा नहीं उनका, नॉट रीचेबल बोल रहा है, कभी उठा रहे हैं तो कभी मैं यहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे हूँ बोल के बता रहे हैं, तो मैं काफ़ी मजबूर हो गया था, मजबूर होने पर आखिरी में PS फलकनुमा में आया हूँ, आने के बाद मैं रिपोर्ट लिखाया हूँ, कंप्लेन दिया हूँ मैं उनके नाम पर, मजबूरी से मैं कंप्लेन दे रहा हूँ, तो मैं चलो भाई मेरे मेहनत के पैसे मुझको वापस होना है, और मेरी यही गुजारिश है हमारे पलकनुमा PS ACP और DCP साहब से कि भाई मेरे मेहनत के पैसे मुझको वापस दिलाएं, और मीडिया का भी बहुत बड़ा ताउन से मुझको मेरी मदद कीजिए, बस और कुछ नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, कल के दिन हम हमारे को बोलेंगे कि हमसे बगैर पूछे आप न्यूज़ डाले बोल के, तो उसके लिए हम सब ये बगैर पूछे नहीं, आप खुद हमारे, हम जब आपके सामने आए तो वो नंबर से फ़ोन कर रहे थे उनको, हमारे भी फ़ोन नहीं उठाए वो। हाँ सर, ये तो मैं भी कई बार किया हूँ नंबर से, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल बता रहा है, मुझको क्या मालूम होता है कहाँ गए किधर गए, अब मैं आखिर में क्या, मेरे लिए क्या रास्ता है आखिर में PS, इसीलिए मैंने पुलिस स्टेशन को रिजू हुआ हूँ, रिजू होने के बाद में मेरी ये गुजारिश है। अच्छा, यहाँ पे कंप्लेन लेने के लिए कोई आना तो नहीं किया? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पलकनुमा PS ने मुझे कोऑपरेट किया है। आपने कानून का सहारा लिया? बस मैंने यही कानून का सहारा लिया। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट और तेलंगाना पुलिस से क्या चाह रहे साहब? बस साहब मेरे को तेलंगाना PS हुकूमत से ये गुजारिश है कि भाई मेरी मदद करे, हेल्प करे, कि भाई मेरा पैसा, मेरी मेहनत का पैसा मुझको वापस दिलाए। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद मेराज अली है। क्या कारोबार करते साहब? सर मेरा कारोबार था, कारोबार था रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार था, जिसकी वजह से मैं कुछ कारोबारी में नुकसान होने की वजूहत की, हाँ नागुजर वजूहत, मैं कारोबार छोड़ चुका हूँ। आपका दुकान कहाँ थी साहब? सब 4 मीनार पे थी मेरी, 4 मीनार जहरा कलेक्शन में नाम थी। 2.5 लाख का जो माल दिए बोल रहे हैं वो क्या माल था साहब? वो रेडीमेड था, क्लॉथ मटेरियल गारमेंट्स का। किसको दिए साहब वो? सब सैयद यूसुफ बोल के हैं। उन्होंने क्या करते थे साहब? सब वो सैयद यूसुफ एक दुकान डाले हैं, उन्होंने दुकान डाले साहब, वो अहराम गारमेंट बोल के रेडीमेड्स का था, उनका भी गारमेंट्स का ही कारोबार था। उनकी दुकान कहाँ थी साहब? उनकी दुकान वहाँ पे मलकपेट जमुना टावर में है, और एक दुकान थी साहब वहाँ पे अत्तापुर रिंग रोड पिल्ले नंबर 143 पे। अब दुकान चल रहे हैं गारमेंट्स पे? अब दुकान चल रहे हैं। बाद में मैं जाके देखा तो दुकानें बंद है उस वक्त, लेकिन उसका लापता होने पे मैं फोन भी नहीं लग रहा है, दुकानें बंद है, तो मैं मजबूर हो गया हूँ। अब FIR करा है साहब इसकी? सब FIR करा है। FIR में देखिए कॉपी है मेरी, FIR इंशाल्लाह साहब क्या एक्शन लेते हैं, बस मेरे को यही गुजारिश है इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले और मेरी मेहनत का पैसा मुझको वापस दिलाए। ओके सर, बस यही गुजारिश है। थैंक यू सो मच।